तो बात कुछ ऐसी है कि हमारी यात्रा चल रही थी कोणार्क एक्सप्रेस में, आप लोग तो वो यात्रा देख ही रहे हैं मेरे साथ, और वैसे अभी जिस ट्रेन में हूँ यह है कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि चेन्नई से हावड़ा के बीच में चलती है, और आज की खास यात्रा इसी ट्रेन में है जिसे हमने भुवनेश्वर से लिया था। लेकिन हाँ, ब्रह्मपुर से आगे की यात्रा पूरी आप देखोगे, और खड़गपुर में गरीब रथ के साथ पैरेलल रेस भी होगी, और कोलकाता पहुँचते पहुँचते यानी शालीमार रेलवे स्टेशन पहुँचते पहुँचते स्टील एक्सप्रेस के साथ भी एक रेस होने वाली है। चलिए इससे पहले इस यात्रा का सारांश जान लेते हैं। वैसे विजयवाड़ा में हमारी ट्रेन ने अपना डायरेक्शन बदल लिया था और लोकोमोटिव को अगले हिस्से से हटा करके पिछले हिस्से में ट्रेन के लगा दिया गया था। हाँ, एक चीज़ देख करके मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि इस रूट में ट्रेन 140 की रफ्तार में चल रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरे मोबाइल में कोई खामी है, इसलिए मैंने अपने दूसरे मोबाइल से भी चेक किया, और वाकई में ये ट्रेन 140 चल रही थी। ये सारा कन्फ्यूजन मन में लेकर के अपने सफर में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और विशाखापट्टनम में एक और बार ट्रेन का रिवर्सल होता है। और हाँ, विशाखापट्टनम का लोको शेड बहुत खूबसूरत लगता है, और ये जो यात्रा है ना ये भी बहुत ही सुंदर है। विशाखापट्टनम से भुवनेश्वर तक अगर आप दिन में यात्रा करोगे तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो फिर आज के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मपुर से ही, जहाँ पर हमारी कोणार्क एक्सप्रेस की यात्रा का पार्ट टू एंड हुआ था। यात्रा को हम लोग भुवनेश्वर तक तय करेंगे, और उसके बाद भुवनेश्वर से कोरमंडल एक्सप्रेस पकड़ेंगे रात के 2 बजे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मज़ा बहुत आने वाला है। जो लोग हो ब्रह्मपुर से भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बता जरूर देना। बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितने लोग उतरे हैं। चढ़ने वाला तो कोई नहीं क्योंकि अब ट्रेन भुवनेश्वर तक ही जा रही है, तो लंबी दूरी के लिए कोई एसी क्लासेस में तो जाते हैं, छोटी दूरी के लिए तो कोई नहीं चढ़ता। गाड़ी अपनी 10 मिनट के होने के बाद यहाँ से निकल चुकी है ब्रह्मपुर से भी। खाने पीने की सुविधाएं तो सब यहाँ पे अवेलेबल है, पर भीड़ भी उतनी ही अवेलेबल है। पीछे गुनूर राउरकेला एक्सप्रेस भी आ रही है, शायद उसके लिए भी भीड़ हो, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है प्लेटफॉर्म में। सुकून से अगर बैठ के ट्रेन का वेट करना चाहो तो वो तो यहाँ नहीं हो पाएगा। भाई जो लोग ब्रह्मपुर से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। सिटी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख करके, आज पहली बार में आएंगे कभी एक्सप्लोर करने यहाँ भी। जहाँ आपको सामने सिग्नल दिख रहा है ना, वो लाइन आ रही है पुरी से। ये तो अपना वाला सिग्नल है, वो रेड सिग्नल जहाँ दिख रहा है वो पुरी से लाइन आ रही है। और अभी हम लोग खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। अच्छा, सामने से कोई मालगाड़ी निकलते हुए। खुर्दा रोड इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इसे आप लोग गेस करो कौन सी ट्रेन होगी। मुझे तो वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लग रही है, पूरी नई दिल्ली। बस तेल दिख रही है, बस मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि अभी 11 बजे हुए हैं, तो हो सकता है कि वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो। बहुत मन है पुरुषोत्तम में भी ट्रैवल करने का, फ्यूचर में मौका मिला तो ज़रूर ही उसमें ट्रैवल करेंगे हम लोग साथ में। हाँ, देखें कौन सी ट्रेन है ये। तो ये है पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम। क्या अंदाज़ा बैठा है, पहली बार इतना सही। आगे तो पुरुषोत्तम ही जाएगी। आप मुंबई, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद कहीं से पुरी दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो आपको खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। भुवनेश्वर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, पर आपको दर्शन के लिए जाना तो यहीं उतरना पड़ेगा। तूफानी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे ज़ोर से, और गाड़ी अपनी है खुर्दा रोड जंक्शन पे। दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है पूरी शालीमार गरीब रथ एक्सप्रेस जो हावड़ा के लिए जाती है, हावड़ा शालीमार। और बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से भुवनेश्वर तक, उसके बाद मेरी कोरमंडल एक्सप्रेस है। 11 बज रहे हैं, 11:20 का इसका अराइवल टाइम है भुवनेश्वर में, 11:30 तक तो पहुंच ही जाएगी। 2 बजे कोरमंडल एक्सप्रेस, तो टाइम थोड़ा काटेंगे और फिर कोरमंडल में अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी देख लो ऐसे प्लेटफॉर्म में कि जहाँ पे खाना पीना कुछ नहीं है, बट हवा बहुत ज़ोर चल रही है, बहुत ज़ोर से। कोस्टल एरिया के बगल बगल चल रहे हैं ना, इसलिए गरीब रथ के अनाउंसमेंट देख लो आप लोग। पहले पुरुषोत्तम जाएगी, पता नहीं शायद फिर गरीब रथ जाए, फिर ही शायद हमारा नंबर आएगा। बस यहाँ थी वो निकल गई, और अब आई शालीमार के लिए जाने वाली पूरी शालीमार गरीब रथ एक्सप्रेस। अपनी यशवंतपुर पूरी गरीब रथ के साथ रेक शेयरिंग है इसकी। आज ये सुबह सुबह यशवंतपुर पूरी गरीब रथ बन के आई है यहाँ पे, और अब ये गाड़ी जा रही है हावड़ा।
हावड़ा से वापस आएगी और फिर ये वापस निकल जाएगी यशवंतपुर के लिए। गरीब रथ ट्रेन कंजस्टेड है मानता हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आता है गरीब रथ की ट्रेन जर्नी में, मज़ा बहुत आता है। टाइम देख लो अभी 11:05 हो रहे हैं, गाड़ी अपनी यहीं पे खड़ी है। गरीब रथ के पहले हमको आगे आगे भेजा जा रहा है, क्या बात है। कोणार्क एक्सप्रेस को पुरुषोत्तम के बाद निकाल दिया गया है। बड़ा फूड प्लाजा भी बना हुआ है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो, तो फुर्दा रोड में खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। कोरमंडल यहाँ पे लिखी हुई है 11:50 पे, सही है। कोरमंडल अगर जल्दी आ जाती तो और अच्छा है। पर वो चेन्नई की ओर जाने वाली शालीमार होगी। गरीब रथ को भी डिपार्चर सिग्नल दे दिया, पैरेलल डिपार्चर दोनों ही ट्रेनों का। इतना तो रेयर मोमेंट कभी नहीं देखा मैंने पहले। फाइनली 11:30 पे जाकर के हमारी ट्रेन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बहुत अच्छा लगा, बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी। हाँ कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जर्नी में मज़ा बहुत आया, दोस्त लोग मिल गए थे, दोस्ती हो गई। अब यात्रा का मतलब ही यही होता है, लोगों से घुलो मिलो, उनके एक्सपीरियंस को, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मज़ा बहुत आया इस जर्नी में। लेकिन अब अगली गाड़ी है रात में 2 बजे कोरमंडल एक्सप्रेस। पहले मैंने सोचा यहाँ पे होटल लेकर के रुक जाता हूँ, फिर मैंने सोचा होटल लेकर रुकूँगा, नेक्स्ट डे दूसरे डे में 800-900 रुपये दूँगा, होटल के 1200-1500 रुपये लगेंगे। फिर कोरमंडल का फर्स्ट एसी में देखा 2 सीट खाली था, 1600 फेयर दिखा रहा था, मैं सोचा फिर एक ही बात है, उसमें नहा भी लूँगा और मेरी कल ही अगली ट्रेन भी है कोलकाता से। मैंने बैक टू बैक ट्रैवलिंग प्लान किया हुआ था तो इसमें नहाने का भी गुंजाइश हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट एसी है, तो इसलिए कोरमंडल को चूज़ किया है और अब कोरमंडल से आगे की जर्नी करूँगा। ठीक है, गरीब रथ खड़ी हुई है पुरी से शालीमार यानी कोलकाता की ओर जाने वाली, और यहाँ भुवनेश्वर स्टेशन में खाने पीने के स्टॉल 12 बजे भी खुले हुए हैं, तो भाई खाने पीने की तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली यहाँ पर। तो यहाँ पे गरीब रथ एक्सप्रेस निकल रही है, खुर्दा रोड पे भी हमको यही गरीब रथ मिली थी। आवाज में एक दम है गरीब रथ की, मजा आता है मतलब इस गाड़ी को देख के। यहाँ पे भीड़ देखो, गुनोपुर राउरकेला राज्य रानी, इसके साथ हम लोग काफी देर से खेल रहे हैं। ये यहाँ पे आई है और ये पूरी भीड़ इसके लिए है, राउरकेला जाने वाले ओवरनाइट जिनको जाना है उनके लिए बेस्ट ट्रेन है, वो यहीं से भरेगी भुवनेश्वर से।
और इसके पीछे पीछे जगन्नाथ एक्सप्रेस भी आएगी जो कि पुरी से शायद है कि शालीमार के लिए चलती है। गाड़ी के आते ही देखो यहाँ पे लोगों का मूवमेंट शुरू। यहाँ पे आई है जगन्नाथ एक्सप्रेस 12:20 पर, 11:40 का टाइम था और थोड़ा डीले देखो ट्रेन में ही हो गया है। ये सुबह 8:40 तक शालीमार पहुँचाती है। इसमें भी ट्रैवल करने का बहुत मन था पर ये ओवरनाइट ट्रेन है, ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं होता इसमें और सुबह 8 बजे तक पहुँचती है, इसलिए इसमें कभी हमने ट्रैवल किया नहीं। पर आप लोग रिकमेंड करोगे कमेंट करके बताओ, अगर आपको इसमें जर्नी देखनी है तो वो भी ट्राई करेंगे जल्दी। ब्लू कलर के कोचेस दिख रहे हैं ना, ये वाले कोचेस ही बहुत अच्छे लगते थे इंडियन रेलवेज में। अभी जब से उत्कृष्ट हो गए हैं कोचेस तो मज़ा चला गया स्लीपर वाला, पर जब से ये वाले कोचेस थे ना तो मज़ा आता था। और इससे पहले जो कलर स्कीम थी वो तो ब्राउन कलर की थी तो वो और भी गजब लगती थी। अभी भी ट्रेन खड़ी हुई 15 मिनट से, देखते हैं डिपार्चर कब तक होगा इसका। यार ये वाले कोचेज ही इंडियन रेलवेज की असली वाइब देते हैं। लेकिन जगन्नाथ एक्सप्रेस की एक चीज़ मैं कहूँगा, स्लीपर के इसमें इतने सारे कोचेज हैं फिर भी घुसने की भी जगह नहीं इस ट्रेन में। अभी पूरा स्लीपर देखो इसका पैक है, तो क्या फ़ायदा इंडियन रेलवेज का मल्टीपल एसी कोचेज इंट्रोड्यूस करने के बाद भी, कम जब उसमें स्लीपर देते हैं जनरल देते हैं तो भी वो पैक रहते हैं, यहाँ मैक्सिमम स्लीपर देने के बाद भी गाड़ियों का ये हाल है। मतलब हाल इंडियन रेलवेज में लोगों का वही रहने वाला है, चाहे एसी बढ़ा दो चाहे घटा दो, जो करना है कर दो, पर भीड़ इसमें लगातार बनी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का रिमॉडलिंग का काम चल रहा है बाहर, जो चीज़ रेलवे ने कही थी वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, देख करके अच्छा लगा। अभी सोच रहा हूँ चाय वगैरह पीते हैं, पर रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो देखते हैं यहाँ कुछ हुआ तो जाएंगे बाहर, वरना वापस स्टेशन चलेंगे, क्योंकि देख लो 1:20 बाकी। यहाँ पे पूरी अजमेर एक्सप्रेस भी आ गई, पूरी अजमेर सुपरफास्ट। अरे मैं गया तो था बाहर, सोचा कुछ चाय वगैरह पीऊँगा स्नैक्स वगैरह इन्जॉय करूँगा, बट मूड ही ऑफ हो गया वहाँ पे देख करके चीज़ों को, मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से मैस हो रखा है। तो जो है प्लेटफॉर्म पे आप लोग खा लेना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर तो वैसे भी आगे शॉप्स वगैरह कुछ खास होंगे नहीं, 2-3 प्लेटफॉर्म पे आपको खाने पीने की चीज़ें सब मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। पीछे तरफ पूरी भीड़ खड़ी हुई है और आगे पूरा प्लेटफॉर्म स्टेशन बैठने की जगह सब खाली है। मैं भी पीछे पागलों की तरह खड़ा हुआ था वहाँ पर सबके साथ भीड़ देख करके, और वहाँ बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ पूरा इत्मीनान से आप बैठ सकते हो। और ये होने वाला है आज अपना रात का खाना, तो इसको फिनिश करते हैं, भूख लग गई यार वेट करते करते, 1 बज रहे हैं ट्रेन का। कोरमंडल भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी, इसको फिनिश करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चलिए चाय टेस्ट हो गया, कुल्हड़ वाली चाय रात में। अच्छा मशीन की चाय को इन्होंने कुल्हड़ में दे दिया, 20 रुपये लगा के, नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कप से तो बेटर ही है। पचास का टाइम था और 2:10 पे ट्रेन आ रही है अपनी, 7 3AC के कोचेस, फिर इकोनॉमी कोचेस भी, इकोनॉमी 3AC, 3 2-tier 1 1st AC और केवल 3 स्लीपर, आगे की ओर 2 जनरल। ये है कोरमंडल एक्सप्रेस, आज बहनगा बाज़ार से आराम से निकलना है यार, रिक्वेस्ट है लोगों पायलट से भाई धीरे चलाना वहाँ पे। काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, वैसे ये एक बार हादसे का शिकार हुई थी लेकिन वैसे देखा जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है। 1st AC में टिकट है बस आराम करने के लिए, थोड़ा सा आराम मिलेगा, कल नहाने को मिल जाएगा और आगे की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट में एकदम 1st AC दिया, एकदम लास्ट में गाड़ी में। कोरमंडल का 1st AC और ये रहा अपना H का केबिन।
काफ़ी नाजुक हाल में है ये कोच, मेंटेनेंस के नाम पे तो बहुत बुरा हाल है। इवन फर्स्ट एसी का जो दरवाज़ा है ये टेढ़ा खुलता, मतलब गिरने वाले हाल में। गाड़ी अपनी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है 2:20 पे और अब सोते हैं भाई। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अंदर मैं आपको अभी रिकॉर्ड करके कुछ दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि सब लोग जो है ना सो रहे हैं। और इसको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि जनरल से एक कोच पहले है तो फिर चलती गाड़ी में चढ़ गया तो अपने को दिक्कत हो जाएगी। तो अभी सब लोग सो रहे हैं, इंटीरियर कल सुबह दिखाता हूँ। बाकी मेरे को भी थोड़ा सोना है, 6 बजे तक कोशिश करूँगा कि उठ जाऊँ। अभी 2:30 हो रहा है, मुँह वगैरह धो करके सोने की तैयारी करते हैं। फर्स्ट एसी कुछ ऐसा है, गैलरी अभी आप देख लो बस, और इसी से इसकी साफ़ सफाई का अंदाज़ा आप लगा लो। बाकी जाते हैं सोने, आपसे सुबह मुलाकात करता हूँ। मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे दिन की शुरुआत होश की और ट्रेन अपनी 1:30 की रफ्तार में लगातार भाग रही है। और अभी हम लोगों ने जब नींद खुली ना मेरी, भद्रक रेलवे स्टेशन की गाड़ी खड़ी थी, अभी भद्रक को पार्क किया है। मेरे मन में टारगेट ये था कि कोणार्क एक्सप्रेस में ऑलमोस्ट पूरा रूट तो कोरोमंडल के कवर हो ही गया, बस 2 घंटे आगे चलती है कोरोमंडल के, तो जो मेन हिस्सा ये वाला ये मिस ना हो। और यहाँ पे अभी भद्रक पार्क किया है तो वो इम्पोर्टेंट स्टेशन आने वाला है जहाँ पे एक बार कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी, और उसके बाद आएगा बालेश्वर, फिर पहुँचेंगे खड़गपुर और हावड़ा तो पहुँच ही जाएगी। अभी बहुत तेज़ चल रही है, स्पीडोमीटर लाते हैं, चेकिंग वगैरह की जाए स्पीड की। और बाकी जब सो के उठाऊँ तो देखते हैं, अभी माहौल सोने वाला बने रहने देते हैं। बालेश्वर के बाद एक बार और नींद ट्राई करूँगा, 3 घंटे की नींद हुई है अभी। बाकी आपको दिखा रहा था इसलिए उड़िया में नींद ही देखिए। अभी ट्रेन अपने बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है, होम सिग्नल जस्ट पार किया है, देखते हैं अभी कुछ अवशेष बचे हैं कि नहीं। रफ्तार तो यहाँ पे स्लो डाउन की
गई है। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पड़े रहे होंगे, देखो इतना ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो एकदम साफ कर दिया गया है यहाँ पे और एकदम नॉर्मल हो गया सर। तो इंडियन रेलवेज़ है, बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, चीज़ें सामान्य होती हैं, भरोसे के साथ पैसेंजर फिर से पुलिस गिरफ्तार जाता है और सुरक्षा पर ध्यान अगर नहीं देगी रेलवेज़ तो यात्रियों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे हादसे देखने को मिले। फाइनली कोरमंडल पहुंच चुकी है बालेश्वर रेलवे स्टेशन में। अरे यार घड़ी भी ऑफ हो गई, उसकी भी बैटरी ख़त्म। टाइम अराउंड 6:35 हो रहा है, थोड़ा सा स्लाइट डिले हुआ है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। ठीक है, अराइवल टाइम और 6:35 का डिपार्चर टाइम और गाड़ी पहुँचे 6:35 पे, तो आप इसे डिले कहोगे क्या? मुझे तो नहीं लगता है कोई खास डिले है, बाकी कोरमंडल अपनी यहाँ पर खड़े हुए देख लो बालेश्वर रेलवे स्टेशन में। बहुत कमेंट आते हैं कि भाई बालेश्वर नहीं दिखाते, भद्रक नहीं दिखाते, इसलिए मैं स्पेशली जगह हुआ था। अब इसके बाद 2 घंटे बाद आएगा खड़गपुर, मैं तो जा रहा हूँ सोने। बीच में शायद वंदे भारत की क्रॉसिंग भी हो जाए पूरी वाली, पर भाई नींद बहुत तगड़ी आई रात में जो जागे हैं ना। और जो 3 दिन से ट्रिप चल रही है, आज 4th डे है लगभग, तो उस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी गाड़ी बहुत ही गंदी है, मतलब अंदर से वॉशरूम वगैरह तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ। मतलब इससे पहले सबसे गंदी गाड़ी जो मैंने देखी होगी वो देखी थी मैंने वीरभूमि एक्सप्रेस या इंदौर दौड़ के साथ, उसकी जब से रेक शेयरिंग हुई ना तो वो सबसे बेकार हाल में थी। अब देख रहा हूँ तो वो कोरमंडल एक्सप्रेस है जो कि बहुत बहुत खस्ता हाल में, वॉशरूम हो गया, मतलब जहाँ पे आपको ब्रश करना है ना बेसिन, वो सब भी बहुत बुरे हाल में। बाकी सनराइज़ देखो यहाँ पे हुआ है बहुत ही खूबसूरती से, अपना लास्ट कोच रहा है, इससे संभल के रहना पड़ता है, छूट ना जाए गाड़ी की, उसके बाद जनरल भी नहीं है। प्लेटफॉर्म में भी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है, कोई ना कोई ट्रेन यहाँ पे डेली ट्रेन जो है वो आने वाली होगी, जो लोकल सवारी है उनकी पूरी भीड़ यहाँ पे स्टेशन देखने को मिल रही है। बालासोर से भद्रक वाली शायद मेमो है, ये भी अच्छी है यहाँ पे। यात्री वाले यात्री जनरल टू गाड़ी नंबर 12891 12391, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, उसका अराइवल हो रहा है। 6:45 पे अपना डिपार्चर यहाँ से हो चुका है। वो तो ये भी नहीं याद आ रहा है नींद में कि मैंने आपको 5:45 बोला या 6:45 अभी। बालेश्वर का अराइवल शायद मैंने गलत बोल दिया, पता नहीं, देखते हैं। आप लोग समझ रहे हो ना, बाकी टाइमिंग मेरा देख लो यहाँ पर। और जो लोग भाई बालेश्वर से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना यहाँ की कुछ खास चीजें। वो बस स्टैंड है कि नॉर्मल बसेस खड़ी है? बस काफी ग्रीनरी देखने को मिल रही है मेरे को गर्मी के मौसम में भी शहर में।
एरिया देख करके आप समझ ही होंगे हम लोग खड़गपुर में हैं। स्टीम लोकोमोटिव, नैरो गेज के लोकोमोटिव, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि वर्कशॉप है भाई, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है यहाँ पे रेलवे का। पूरा कर लिया और गाड़ी अपनी आ चुकी है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। विश्व का चौथे नंबर का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है अपना खड़गपुर जंक्शन। सबसे टॉप पे तो आपको पता ही है अपना है हुबली जंक्शन, वहाँ पे मैंने कदमों से चल चल के भी आपको दिखाया है। एक्चुअली एक ज़माने में सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन यही हुआ करता था खड़गपुर, फिर धीरे से हुआ गोरखपुर और चीज़ें बदलती गईं, कोल्लम भी आया और अब चौथे नंबर पे आ गया है। महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपने करियर की शुरुआत यहीं पे की थी खड़गपुर रेलवे स्टेशन में एज ए टीटी। बाकी यहाँ पे आप देख लो रेलवे स्टेशन साफ सुथरा तो है, ये तो मैं कहूँगा। कोलकाता की सबर्बन रेलवे भी यहीं से शुरू होती है। बाकी टाटा नगर के लिए यहाँ से लाइन गई हुई है जो कि मेन लाइन है, वही आगे बिलासपुर नागपुर मुंबई लाइन आप उसे कह सकते हो, और वही आगे आसनसोल वगैरह के लिए भी गई हुई है। और हम लोग तो जिस लाइन से आ रहे हैं वहाँ तो आप जानते ही हो साउथ वाली लाइन है, बाकी यहाँ से बढ़ने वाले हैं हावड़ा की ओर। और यही लाइन जो है बहुत सारी ट्रेनें यूज़ करती हैं, बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से भी है खड़गपुर। यहाँ की चाप और चाय दोनों ही बहुत फेमस होती है, अगर मिलती है हमें ट्रेन में तो ज़रूर ट्राई करेंगे। देखते हैं क्या हो पाता है आज की जर्नी एक्सपीरियंस में, आपको यहाँ तक मज़ा आ रहा है नहीं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। कोरमंडल एक्सप्रेस है यार, ये सब चीज़ छोड़ने का कोई वो नहीं था, मैंने अलार्म लगाया था 50 मिनट की नींद पूरी करके वापस उठा और रिकॉर्डिंग चालू। फिर लाल चाय मिल रही है वो ले लेते हैं। गाड़ी बिफोर आ गई है, 8:25 का अराइवल था, 8:30 तक हॉल टाइम है और 8:15 ही गाड़ी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे इनके पास तो कॉफ़ी लाल चाय दोनों है, यहाँ पे जनता मील भी बिक रही है। पे आते ही ना अपने लाल चाय का जो किस्सा है वो शुरू हो जाता है। लाल चाय बहुत पसंद है मुझे, एक्चुअली मिल्क वाली चाय से ज़्यादा अच्छी लाल चाय लगती है, पर जो हम लोग घर में बनाते हैं उसमें ये स्वाद नहीं आता है जो इस बेल्ट पे आता है। तो अगर मैं कभी भी यहाँ ट्रैवल करता हूँ तो ज़रूर पीता हूँ, अपने वीडियोज़ में देखा ही होगा। अभी भी नींद भगाने के लिए बहुत काम आएगी, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी, कभी ट्रैवल करो ये तो मस्ट है, मस्ट यहाँ आ रहे हो ज़रूर ट्राई करना। यहाँ एक चीज़ है कि मैंने लोगों को जनता मील लेते हुए बहुत देखा, क्योंकि उसमें क्या होता है गरम गरम आपके लिए मैदे की पूड़ियाँ होती हैं और साथ में आलू की सब्ज़ी होती है, यहाँ के लोगों को उसका बहुत शौक है, उसे लुच्ची बोलते हैं और सब्जी वगैरह भी तरह तरह की खाते हैं। तो मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ पर आपको ज़रूर रोक रहा हूँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो तो यहाँ के वो मत खाना यार, वो बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी तो होता ही है, टेस्ट भी उसका कुछ अजीब सा ही होता है, लेके फेंक दोगे, उससे अच्छा मत ही खरीदो तो ज़्यादा अच्छा। खड़गपुर में ज़्यादा देर हमारी ट्रेन रुकी है आज, लोगों को सफिशेंट टाइम मिल गया खाने पीने की चीज़ें सब खरीदने का। वेंडर्स के तो आम बातें थी रफ्तार में उतरना, पर आप लोग ऐसी चीज़ें ट्राई मत करिएगा। अच्छा स्टेशन में फल वगैरह भी अवेलेबल है, अमूल का पार्लर भी है, हमारा पूछ बहुत लास्ट में है, वरना आगे थोड़ा होता तो ऑप्शन हमारे पास भी बहुत होते हैं। यहाँ वाले प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऐसे बने हैं कि इसमें दो दो ट्रेनें आ सकती हैं और दो ट्रेनों के निकलने के लिए भी रास्ता बना हुआ है। इतना बड़ा है खड़गपुर का प्लेटफॉर्म, इसीलिए इसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की लिस्ट में रखा गया है। बाकी कटलेट जो थे लोकल वेंडर बेचने आते हैं वो बहुत गजब होती है, तो पता नहीं अगर वो आज कोई चढ़ता है तो जरूर आपको दिखाएंगे, वरना नहीं मिल पाया तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट में कोच है, फर्स्ट एसी है तो मोस्टली लोग आते नहीं हैं फर्स्ट एसी में।
हरियाली सूरत देखने को मिल रही है और रूट बहुत सुंदर है। कभी ट्रैवल करोगे तो मज़ा आपको बहुत आएगा इसमें। यहाँ पे कोर मंडल अपनी पंसपुरा जंक्शन को स्किप कर रही है। कोरमंडल एक्सप्रेस में शावर रूम की फैसिलिटी अवेलेबल थी तो मैं नहाने आ गया हूँ भाई यहाँ पे, क्योंकि अपनी जो अगली जर्नी वो बैक टू बैक है, हावड़ा में कोई हॉल्ट नहीं है, तो भाई आज का स्नान ट्रेन में होने वाला है। नहाना वगैरह सब कुछ हो गया, नहा धो के राजा बेटा बन के एकदम तहर हो चुका हूँ। यहाँ पे अवतार चेंज हो गया है, बाकी गाड़ी का हाल वही है, ये अभी थोड़ा साफ करवाया तब जाके स्थिति है। और एक चीज़ है कि मुझे लगता है आज ये समय से पहुंच जाएगी संतरागाछी, तो मतलब 10:10 तक पहुंच जाना चाहिए, और इसका अराइवल टाइम 10:40 का है शालीमार में, तो वहां भी पहुंच ही जाएगी। आज कोई भी डिले नहीं है। भद्रक में तो 1 घंटा बिफोर जाकर के सुबह खड़ी हो गई थी, उसके बाद 1 घंटे बाद आराम से चली है, तब से भाग भी रही है, धीरे भी चल रही है, जैसे अभी देखो धीरे चल रही है, फिर भी गाड़ी ऑन टाइम है। मतलब रेलवे ने बहुत स्लैक दिया हुआ है, ट्रैक साउंड आ रहा है, मतलब गाड़ी आ रही है। कोलकाता किसान। अच्छा चलिए अभी ट्रेन चेंज करनी है, मैं थोड़ा तैयारी करता हूँ, बैग वगैरह पैक करता हूँ, मिलते हैं सीधा संतरागाछी रेलवे स्टेशन। संतरागाछी जंक्शन पहुंच रही है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि अपना जो फर्स्ट एसी का केबिन है वो खाली हुआ है, तो केबिन तो साफ़ सुथरा ही चीज़ तो मैं कहूँगा, लेकिन भाई गैलरी वॉशरूम सब कुछ बहुत गंदा है इस गाड़ी में, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे कोरमंडल का एक और रेक खड़ा हुआ है, साफ सफाई और मेंटेनेंस हो रही है उसकी। गाछी हम लोग आ गए थे 10:10 पे, और यहाँ पे 10:45 पे दोबारा यहाँ पे गाड़ी को छोड़ रहे हैं। सामने स्टील एक्सप्रेस आ चुकी है टाटा नगर हावड़ा, इसमें भी जल्दी जर्नी होने वाली है अपनी, टिकट वगैरह बुक हो चुकी है, आपको जल्दी देखने को मिलेगा। स्टील एक्सप्रेस को भी यहाँ से खोला गया है और हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकली है, मतलब एक साथ डिपार्चर हुआ दोनों ट्रेनों का। हम लोग जा रहे हैं शालीमार तरफ, वो जा रही है हावड़ा तरफ। और उसकी रफ्तार तो यार काफ़ी तेज है, पिकअप काफ़ी बढ़िया दिया उसने। एक्सप्रेस निकल भी गई और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हावड़ा रेलवे स्टेशन तरफ जाने वाली लाइन यहाँ सामने निकल जाती है। शालीमार यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है शालीमार स्टेशन, लाइन यहीं पे अलग हो जाती है। पहले कोरमंडल एक्सप्रेस भी हावड़ा तक जाती थी, मैंने ट्रैवल किया इसमें 2019 या 2020 में किया था, हावड़ा तक जाती थी और लोग भी मिलने आए थे। मैंने पूरा चेन्नई से एंड टू एंड ट्रैवल किया था ICF के टाइम पे, और अभी अब मैं जब इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ तभी शालीमार जा रही है, हावड़ा नहीं जा रही है। फाइनली यहाँ से बस उतरने का समय आ चुका है, गाड़ी धीरे धीरे शालीमार जा रही है। अभी सियालदा से बहुत
सॉरी सियाल कह रहा हूँ, संतरागाछी से बहुत देर निकाला है। मेरी जो अगली ट्रेन है वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति वो 1 बजे है, इसलिए मैं आराम से इसमें बैठा हूँ क्योंकि मुझे पता है 40 से 50 मिनट लगेंगे। तो अगर ये मेरे को 12 बजे भी पहुंचा देती है ना शालीमार, तो भी मैं पकड़ तो लूँगा। अभी तो 11 ही बजे भाई, पैसे दिए फर्स्ट एसी के तो थोड़ा वसूल कर लेते हैं। मिलता हूँ आपसे शालीमार रेलवे स्टेशन। 1 बजे मेरी अगली ट्रेन है और 11:30 हो रहे हैं, गाड़ी को अभी तक शालीमार में एंट्री नहीं मिली है, पिट लाइन के पास ही खड़ी हुई है। देखते हैं कब तक एंटर करेगी और अब थोड़ा कट टू कट मामला होने वाला है। हमेशा मेरी जर्नीस कट टू कट हो ही जाती हैं चाहे कुछ भी हो। यहाँ भी 11:35 हो रहे हैं, ट्रेन को प्लेटफॉर्म एंट्री नहीं दी गई है शालीमार में, क्योंकि 11:25 पे ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस जो कि शालीमार से हैदराबाद के निकलती है, जो कि सामने आ रही है, ये निकलेगी। अभी निकली है तो इसका प्लेटफॉर्म खाली हुआ होगा, तो अब जाके हमें प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर शालीमार में लेंगे। 10:10 पे आ गई थी ये अपनी संतरागाछी पे और ये हाल चल रहा है इंडियन रेलवेज का। यात्रियों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही प्राइवेट ट्रेन होती और पैसे पे करने पड़ते इंडियन रेलवेज को, तब शायद है कि पंक्चुअलिटी मेंटेन होती। बहुत बहुत गलत है ये चीज़। देखो अब हमारी ट्रेन चली है, जब वो आई है शालीमार हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस। गाड़ी तो खैर चमचमा रही है हैदराबाद की, बिकॉज ये SCR की है। बाकी अपनी कोरमंडल का हाल तो मैं क्या ही बोलूँ आपसे। फाइनली ट्रेन अपनी अभी शालीमार रेलवे स्टेशन पहुंच रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि स्टेशन में भी बहुत काम चल रहा है। बहुत सारे यहाँ पे WDM शंटिंग का भी काम कर रहे हैं। शालीमार रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन का हाल तो भाई आप देख ही रहे हो, ट्रेन की साफ सफाई जैसी थी वैसे ही अभी स्टेशन का हाल है। खाना पीना मैंने ट्रेन का रिव्यू किया नहीं क्योंकि श्रेयांश भाई ने ट्रैवल किया था, बहुत तारीफ की थी और मेरा सुबह से कुछ खाने का मन नहीं था इसलिए किया नहीं। बाकी आपको एफर्ट्स कैसे लगे रात भर जाग के लिए जो बाकी आपको ये एफर्ट्स कैसे लगे जो रात भर जाग के अर्ली मॉर्निंग जाग के आपके लिए रिकॉर्डिंग की है, बताना ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट एसी तो एक जरिया था मेरे रेस्ट करने और नहाने का, वरना 2 AC 3 AC में भी टिकट मिलती तो मज़ा उतना ही आता। हाँ, लेकिन गर्मी में मैं स्लीपर जनरल में ट्रैवल तो नहीं करता हूँ क्योंकि फिर मैं आपको बाहर का कुछ नहीं दिखा पाऊँगा। स्लीपर जनरल में ट्रैवल करेंगे तो अंदर की भीड़ ही दिखा पाएंगे, बाहर दिखाने के लिए हाथ निकल नहीं पाएगा, वो दिक्कतें आएंगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नई जर्नी में नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं निकलता हूँ, मुझे वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति पकड़नी है, मामला काफ़ी कट टू कट हो चुका है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।